जो हम जा रहे हैं केक लाने के लिए, कॉल आ रहा है, तो चलिए हम अभी मिलते हैं थोड़ा देर में। हाँ एंजल बैठी है, हाय करो एंजल, हाय करो, हाय करो, जल्दी हाय करो। ये रहा एंजल का क्यूट सा बटरफ्लाई केक, एंजल को आ रहा है नींद। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दिव्य जीवन यही। और ऐसे करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम में आज नन्ही एंजल का जन्मदिन है, और इसके लिए ईश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं और आप लोगों को भी धन्यवाद देंगे, क्योंकि आप सभी को मनाने जा रही है और मना रही है, और उनके दादा दादी हो सकते हैं 2 साल में नहीं हो पाए थे, लेकिन आज वे लोग हो पाए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और सभी को, आप लोग भी दूर दराज से यहाँ पर पहुँचे, आप सबों का भी हम स्वागत करते हैं। चलिए इस सभा को शुरू करने से पहले हम सभी को एक गीत गाएंगे। आने बनाया है हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, प्रभु की महिमा मिले चाहे वो मेरा अपमान रहे, इसी का ध्यान आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, स्तुति है जो बचाता हमें परम पिता की, हम स्तुति गाए उसको हम गाते रहे चाहे जही भी रहे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम इसमें आनंदित हो, तुझे लल करे परम पिता है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसली दुनिया के कदरों में, माँ की तरह उसने दी तसली दुनिया के कदरों में छोड़ा नहीं। आज तूने जिस वचन को ठहराया है दयालु पिता, आप को ढेर सारे दयालु पिता भला चंगा और स्वस्थ जीवन दिया है, आने वाले दिन में भी तू इनके संग साथ रह, इनकी अगुवाई कर, इनकी मदद। अरे वाह, खत्म कर देंगे उसके बाद हम हैप्पी बर्थडे गाना गाएंगे, थोड़ा बेटा हमें भी करना है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ डियर एंजल, happy long life to you, may God bless you, may God bless you, we pray, may God bless you, we pray, may God bless you, you always,
एंजल अभी कैंडल कैंडल जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर ये चलो चलो कटिंग करो अभी काटो चल पक चल पक आप लोग दोनों जन मिलके चलिए हैप्पी बर्थडे एंजल अच्छा से जोर से दबाइएगा ये ज्यादा होगी अच्छा कोई बात नहीं है हाँ, अभी एंजल दादू दादी को खिला देगी है एंजल चलो दादू को खिला चलो दादी को दादी को दादी को उल्टा बजा रहे किधर से नहीं जाए रुको हम कपड़ा ला रहे हैं पोछ लो हैप्पी बर्थडे खालो बेटा वाला को खालो खालो अंदर चलो हम खिला देते हैं खालो खालो मैं है जी आप ही खाइए आप ही खाइए और बोलिए ना मैम देखिए लड़ाई कर रहे हैं हाँ ठीक हाथ चला रहे हैं ओके बीच में बैठा ही और बेबी को खिला बेटा बेबी को ऐसे करके चट्टू करना थोड़ा सा ब्रेड उसको इधर अभी तो सही है जब प्रीति नहीं बोलने सीख गए खाएंगे बड़ी हो जाएगी तब तक फिर से राहुल हाथ दो मुझे खिलाने वाला अब मेरा वाला अच्छा से खींच दीजिए जैसे हो गया ना अब तेरा बर्थडे आ रहा है हां दादू नहीं खिलाए हटो राहुल हाथ हटाओ 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 एंजल हां एंजल हां रुको ठीक है हो गया ना अब साथ में अच्छा एक मिनट रुके तो आप नहीं आ रहे हैं अभी आएंगे सो गाइस देखिए एंजल के बर्थडे में ईश्वर का आशीष से हम लोग एंजल के मम्मी ने इतना सारा चीज़ों का बनाया मामू तो केवल बस कैसे हो गया पता ही नहीं चला तो देखिए आइटम्स में खीर पापड़ पूड़ी और ये चॉकलेट भी चिकन सैलेड पिठा और एंजल को चॉकलेट आप देखिए हम लोग का प्रिंसेस कैसे लग रही है जरूर से बताइए चॉकलेट का बर्थडे नहीं एंजल का बर्थडे एंजल आज प्रिंसेस लग रही है चलिए एंजल चलिए चलिए तो फिर इधर खाना पीना बहुत बढ़िया से हो गया पानी ना खा रही है गुड इधर माँ लोग भी हैं याद रहेगा हमको तो अभी हम लोग जा रहे हैं साहब विदाई करने के लिए छोड़ने के लिए और उसके बाद सारा प्रोग्राम हम लोग का ख़त्म हो गया अब सब कोई टाटा बाबाई कर रहे हैं तो मेहमान सबको छोड़ने के लिए जा रहे हैं हम लोग तो छोड़ के आते हैं चले गए बाय बाय कर दिए सबको हम लोग फ्रेंड एंजल का बर्थडे का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा और इस साल उसका जो बर्थडे था बहुत ही उसके लिए अच्छा था क्योंकि हर बच्चे को एक इच्छा रहती है कि मेरे दादा दादी मेरे साथ रहे कि दादा दादी के जो वैल्यू है ना वो केवल वही लोग जान सकते हैं जिनके दादा दादी के साथ समय बिताए हैं तो इसीलिए एंजल के लिए बहुत वो अच्छा इस ये बर्थडे था क्योंकि दादा दादी दोनों हो पाए थे पहला में भी हम लोग बहुत अच्छा से
अरेंजमेंट किए थे पार्टी का, बहुत बड़ा पार्टी किए थे, लेकिन उस समय नहीं आ पाए थे। एंजल के दादू का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, सेकंड में भी नहीं आ पाए थे, लेकिन थर्ड में ईश्वर की कृपा से दोनों दादा दादी स्वस्थ थे, तो वो लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे। हम लोग तो उम्मीद भी नहीं किए थे कि वो लोग आ पाएंगे, लेकिन आए, ईश्वर योजना बनाया और वो लोग आए। इसके लिए हम ईश्वर पिता को लाख लाख धन्यवाद देते हैं। और वो लोग स्वस्थ फिर से वापस घर गए, और बहुत ही यादगार ये बर्थडे रहा। तो एंजल जब बड़ी हो जाएगी तो ये ब्लॉग देखेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए नए ब्लॉग आप लोग तक पहुंचते रहे। और अब हम लोग कोशिश करेंगे रेगुलर होने पाएँ, थोड़ा सा शिफ्टिंग के कारण इधर उधर बिजी है अभी, तो रेगुलर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।